इंडिया ने इंग्लैंड का पांचवें टेस्ट मैच में भी घंटा बजाना शुरू करके रख दिया भाई जान। इन बेसबॉल वालों की, इन गोरों की, लुटेरों की, चोरों की, बेईमान होरों की, रोटी बाजों की, रोंदुओं की भाई जान बजा के रख दिया है। कोई जैक क्रॉली, जॉनी बेस्टो, ओली पॉप, जो रूट, वो कौन है, वो बेन स्टोक्स, विराट कोहली का बड़ा फेवरेट प्लेयर, बस निकल गई हवा, टट्टी निकल गई तुम लोग की है। बड़े तुम लोग कह रहे थे कि आखिरी टेस्ट मैच है, वी आर गोना प्ले लाइक अ एलियन, वी आर गोना प्ले लाइक अ, मतलब कि हम जैसे वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, खेल लिया फाइनल, मतलब वो कुलदीप यादव अश्विन अन्ना ने तुम्हारी पिछवाड़े में हथौड़ा डाल के जो तुम्हारे को आज बताया है और औकात दिखाई है तुम्हारी। भारत ने जबरदस्त कमबैक किया है इस टेस्ट मैच में। देखिए सबसे जो वंडरफुल एक स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया उन्होंने, कुलदीप यादव की सिलेक्शन आसान सिलेक्शन नहीं थी, इसलिए कि ये रेगुलर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए, मगर सिचुएशन को भांपा। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, हालांकि इंग्लैंड बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया कुलदीप और अश्विन ने इस नथिंग विकेट के ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ना बैट्स बॉल के रहे, ना ये डिफेंसिव माइंडसेट के रहे, ना ये तीन में रहे, ना ये तेरह में रहे। और रन्स मशीन कौन, जसवाल, पक्का प्लेयर, इंडिया का माइकल बेवन, यही नाम दिए ना, देख रहे क्या खेला है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन फिर आया कुलदीप यादव, पकड़ के उसने बया दिया इंग्लैंड की, पकड़ के उसने इंग्लैंड की घुसा दिया, बैस बाल का ऑफिशियली घंटा बजा दिया पकड़ के जब कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन, अनबिलीवेबल। कुलदीप यादव ये बंदा ने साबित कर दिया है, ये साबित करे जा रहे, मतलब के एक ही दिन में कितनी दफा जीतोगे कुलदीप यादव, पहली चार विकेट थी लेने वाला ये बंदा था, ना बुमराह ना अश्विन ना सिराज ना जडेजा। सो कुलदीप यादव के खिलाने से क्या हुआ कि ये क्योंकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं, गुगली करते हैं, टॉप स्पिन करते हैं, तो ऐसे बॉलर जो मिस्ट्री बॉलर होते हैं इनके खिलाफ इस तरह की इनोवेशन, इंप्रोवाइजेशन, रिवर्स फ्लिक कह लें या रिवर्स स्वीप कह लें या स्विच हिट कह लें, ये खेलनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से हथियार डाले, मतलब द क्रेडिट लाइज विद कुलदीप यादव हियर, कुलदीप यादव ने आज जिस तरह अपनी मैजिकल चाइनामैन डिलीवरीज जो आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने डाली हैं, दे हैड एब्सोल्युटली नो क्लू। हमारे पाकिस्तान में जितने बैटर्स हैं उनके लिए तो बेस्ट मिसाल है कि इस तरह बेटा रन्स के भूखे बन जाओ, रन्स करने। जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स, ये सारे के सारे फाड़ी होके रह गए इंडिया के अंदर, इन सबकी जो बेसबॉल है ना उसको मधोल के यू मसल के ना। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 218 रन पे ऑल आउट हो गई है, वहीं पर इंडिया की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स में 135 रन बना लिए और इंडिया की टोटल एक विकेट अभी तक गिरी है, और आज पहले दिन का खेल अभी से चंद मिनट्स पहले जो है खत्म हो चुका है, और क्या ही कमाल की इंडिया ने पहले बॉलिंग की है और उसके बाद क्या कमाल की और दलेराना किस्म की जो है बैटिंग की है इंडिया के बल्लेबाजों ने, खास करके जायसवाल, रोहित शर्मा ने, और शुभमन गिल भी पीछे कैसे रहते, दो छक्के शुभमन गिल ने भी लगा दिए हैं। आज के दिन इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करने के लिए आई, पहले स्टार्ट में तो काफी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 100 रन पे पहले सेशन पे इंग्लैंड के टोटल दो खिलाड़ी आउट थे और बहुत कमाल की बैटिंग कर रहे थे जैक क्रॉली और साथ में जो है जो रूट, लेकिन जो ही दूसरा सेशन शुरू हुआ ना, कुलदीप यादव और अश्विन नाम की एक आंधी आई जो इंग्लैंड का सब कुछ बहा के ले गई, और क्या ही कमाल की जो है बॉलिंग की है कुलदीप यादव, 5 विकेटें, आर अश्विन की बात करें 4 विकेटें वो लेके उड़ गए भाई, और साथ में जडेजा ने भी जो है एक खिलाड़ी को आउट किया, और कुलदीप यादव तो बहुत कमाल, यानी कि लाजवाब इस बंदे को जब जब मौका मिलता है ना तो ये जो है वो अपनी सारी बढ़ास निकाल देता है। आज भी जो आप 5 विकेटें लिए, चौथी बार जो आप 5 विकेटें टेस्ट में ले चुके हैं कुलदीप यादव, और कमाल, जैसे स्टार्ट में हमने देखा कि इन्होंने बेन डकित को आउट किया, वो तो शुभमन गिल का बहुत ही अनबिलीवेबल कैच था, उसके बाद जो है जिस तरह से जैक क्रॉली को आउट किया गया वो कमाल था यार। कोई इंडिया को बताओ, टेस्ट मैच 5 दिन को होता है भाई जान, पहला दिन ही अगली टीम को नेस्तो नबूद करके रख दिया है भाई जान, हर एक डिपार्टमेंट में वो जो करोड़ों की बातें करते थे उनकी पकौड़ों की क्रिकेट निकली है, 2% की क्रिकेट निकली है भाई जान, आप इमेजिन करो भाई जान, इंग्लैंड बड़ा खुश था कि भाई हम बैटिंग कर रहे हैं, बट कुलदीप यादव मतलब क्या बंदा है यार, अभी अभी आप देखो 50 विकेट उसकी टेस्ट क्रिकेट में आज मुकम्मल हुई है, बट क्या
काम कंपोज, क्या ग्रिप है, क्या कंट्रोल है और क्या बॉलिंग की है यार। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने थोड़े तेवर दिखाए तो रोहित शर्मा ने बोला आ जा कुलदीप यादव, और फिर जिस तरह की बॉलिंग की है डे वन की पिच पे, आसान नहीं होता इंग्लैंड ने क्यों किया बैटिंग के भाई अच्छा है पिच है यूज करते हैं भाई डे वन पे। जिस तरह से कुलदीप यादव ने बॉलिंग की है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कमाल है। जब से कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि अपने अंदर सेल्फ बिलीव आया है, उसके बाद से कुलदीप यादव नेक्स्ट लेवल किस्म का बॉलर है यार, बहुत कमाल। इस सीरीज में आप देखो जब जब इंडिया फंसा है कुलदीप यादव ने रेस्क्यू किया और क्या कमाल का रेस्क्यू किया, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है वो टेस्ट टीम का, और उसके साथ अन्ना अश्विन का 100 टेस्ट मैच यार, क्या मेमोरेबल दिन था यार, 100 टेस्ट मैचेस फैमिली आई हुई है, और उससे बढ़ के यार वो जो स्पिरिट वाला टाइम था, देखो ये टीम इंडिया यार, ये इसकी स्पिरिट है, ये इंडिया के देशवासी हैं, मतलब कि ये आपस में इतने घुलमिल इतने प्यार। आप देखो कुलदीप यादव ने 5 विकेट ली, अश्विन ने 4 ली, कुलदीप यादव कहते हैं अश्विन को कि भाई आप बॉल पकड़ो आप आगे जाओ। बट इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान आखिरी टेस्ट मैच का पहला रोज टीम इंडिया के नाम रहा, और यूं कहें कि जयसवाल और कुलदीप यादव के नाम रहा तो गलत नहीं, इसमें अश्विन का भी तड़का जरूर लगा, मगर ऑन द होल पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो रही है, और नहीं खत्म हो रहा तो जयसवाल के बल्ले से रन्स बनना खत्म नहीं हो रहे, और मुझे लगता है कि ड्रोना खाब रहेंगे जयसवाल और जैस बॉल भी आप इसको कह सकते हैं कि ये सीरीज एक्चुअली में और मैन ऑफ द सीरीज होंगे वो 100%। 712 रन हो चुके हैं अब तक उनके, 2 डबल 100 हैं, और पहला दिन का खेल खत्म होने के बाद 83 रन की बढ़तरी टीम इंडिया को मिली है, और अभी 9 विकेट्स उनके हैं, और मुझे लगता है कि कल अगर पूरे दिन बल्लेबाजी कर लेते हैं और ये कहानी कुछ 3.5 दिन से ऊपर तो नहीं जाने वाली है, बशर्त के कोई बड़ा फाइट बैक इंग्लैंड की तरफ से ना आ जाए। और कुलदीप यादव मैं हमेशा उनको हाई रेट करता हूँ कि वो कमाल स्पिनर्स हैं, लेकिन इंडिया के अंदर उनकी जाहिर है कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बन जाता है कि उनकी बारी बहुत लेट आई है, बट टेस्ट सीरीज़ अब उनको खेल रहे हैं तो उन्होंने अपना टेस्ट सीरीज़ के अंदर भी बताया कि रेड बॉल के भी वो अच्छे बॉलर हैं। मुझे लगता है कि वो पहले भी अच्छे बॉलर थे, मगर चूंकि रविंद्र हैं अश्विन हैं तो बारी उनकी आती नहीं थी, तो इस बार बारी मिली है उनको और इंडिया के अंदर मिली है, ये खास बात है। वैसे फर्स्ट क्लास के अंदर उनकी 150 विकेट्स हैं जो कि ठीक ठाक हैं, किसी आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान जो पाकिस्तान के लंबे अरसे से लगातार खेलते आ रहे हैं दोनों के 150 फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं हैं। शादाब खान के 68 विकेट्स हैं, टोटल 17 फर्स्ट क्लास में मैचेस खेले हैं, जबकि नवाज़ ने 56 खेले हैं और उनके 104 जो हैं फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। और इधर अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो सिर्फ 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 हैं, 39 में 150, 56 में 104, डिफरेंस आप चेक कर लें कितना बड़ा है, और डबल इनिंग मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा गैप है। यही वजह है कि वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो शायद बहुत बेहतर है। इसकी एक और एग्जाम्पल ये है कि कुलदीप यादव की डोमेस्टिक के अंदर 28 की एवरेज है पर विकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल में 22 की है, तो आप सोचें कि उनको इंडियन बैटर ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑफ कोर्स, और उनके फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक बैटर ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं, तो ये एक चीज़ भी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट जो कि ओवर कॉन्फिडेंट अपने आप को हर वक्त रखते हैं, मतलब इंग्लैंड की टीम को आप खुद देख लो, इनके जो बेन स्टॉक्स वगैरह है वो हर वक्त कॉमेंट्री करते हैं, या जिमी एंडरसन है या ओली पॉप है, या उसके अलावा जैक क्रॉली ने जो अभी कॉमेंट किया था कि इंडिया के पास जो है वो डेप्थ नहीं है, वो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है, और इसके अलावा हमारे बेन स्टॉक्स जो है वो बेन स्टोक्स जो है उन्होंने भी ये कहा था कि भाई हम इस टेस्ट मैच को जीतने की कोशिश करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम सीरीज हारे हैं या जीते हैं, ये टेस्ट मैच हम भरपूर तरीके से जीतेंगे और अच्छी अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है उसको खेलेंगे। और इसकी नेचुरल क्रिकेट क्या है तुम लोग जानते हो कि ये बहन का टका अपने आप को कहता है कि हम बैस बॉल के खिलाड़ी हैं, और मेरा घंटा तुम लोग बैस बॉल के खिलाड़ी हो है, इंग्लैंड में जाकर तुम्हारी टट्टी निकल गई, इंग्लैंड वाले जो है इस टाइम पे सोच रहे होंगे कि भैंचो इनको आने दो, सामने खड़ा करके गोली मार देंगे ससुरे के नाते, यहाँ पर ये समझते क्या है, पूरी की पूरी इंग्लैंड की यहाँ पर बेइज्जती करवाई। और बिल्कुल असल में यहाँ पर इंग्लैंड वालों की भी गलती नहीं है, वो समझ रहे थे कि जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को पेला था 2022 के अंदर इसी तरीके से हम इंडिया को भी पेल देंगे, लेकिन बेटा फर्क होता है, पाकिस्तान का कोई टैलेंट ऐसा है नहीं, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इंग्लैंड जैसी टीम का सामना कर सके, लेकिन इंडिया के पास भरपूर हर चीज पड़ी हुई है। इंग्लैंड के पास यहाँ पर जो है कोई ना फास्ट बॉलर इतने अच्छे हैं, ना कोई बैट्समैन इतने अच्छे हैं जो कि इंडिया में जाकर परफॉर्म कर सके, जबकि इंडिया के पास बॉलिंग में भी फुल स्ट्रेंथ है, बैटिंग में भी फुल स्ट्रेंथ है, फील्डिंग, हालांकि उनकी फुल टीम खेल नहीं रही है, इस टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि होने चाहिए थे जो कि इंडिया की एक टीम में होते हैं लेकिन अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, जैसे कि कोहली हो गए, पंत हो गए, राहुल हो गए, भाई कितने, मोहम्मद शमी हो गए, कितनों के मैं नाम ले, अश्विन कुलदीप को देता है, कुलदीप फिर अश्विन को देता है, फिर बॉस को देता है, फिर एंड में अश्विन ने फिर कुलदीप को दी और कुलदीप आ गया, मतलब ये सीनियर के टूवर्ड्स रिस्पेक्ट है। हालांकि अभी पहली इनिंग ही थी, कोई टेस्ट मैच खत्म नहीं हो रहा था, बट ये स्पिरिट है, ये माहौल है, ये एनवायरनमेंट है यार, ये चीज़ें जो होती हैं ना दिल जीत के ले लेती हैं कि भाई परफॉर्मेंस है, बट आप अपने सीनियर्स की जो
जो कदर करते हो, इज्जत करते हो, और फिर सीनियर्स भी आपको जिस तरह से ट्रीट करते हैं, कमाल है। और जो अश्विन ने टेल एंडर्स की विकेट ली, जब उसे लाया, जब पहले लाते तो वो पहले भी लाता, जाहिर सी बात है वो बड़ा बॉलर है, बड़ा कैपेबल है, बट लेट लाए रोहित शर्मा। और जब लाए तो फिर उन्होंने बताई अपनी वर्थ के भाई जिस तरह से विकेट्स ली आसान नहीं है, इंग्लैंड की टेल भी रन करती थी। फॉक्स ने रेजिस्टेंस दिखाई है पिछले मैचेस में, हार्टले ने दिखाई है, शोएब बशीर ने दिखाई है, तो ये बीच में रेजिस्टेंस दिखा लेते हैं, मार्क वुड दिखा लेता है, बट जिस तरह से अश्विन ने उनको काबू किया वो कमाल था, मतलब के कमाल थे। विरसाद जडेजा के हिस्से में एक विकेट आई, मतलब कमाल हुआ यार, मजा आ गया। इंग्लैंड को इतना जल्दी समेटा, 100 पे उनका एक आउट था, और उसके बाद आप देखो किस तरह से अगले 100 रन में उनको ऑल आउट करके रख दिया। लगा कि भाई विकेट मुश्किल है, विकेट मुश्किल होगी है, इंडिया के स्पिनर्स को हेल्प मिली है, इंग्लैंड के स्पिनर्स को भी हेल्प मिली, बट नहीं, आते हैं रॉ सुपर हिटमैन शर्मा, और उनके पास उनके साथ आता है जासवाल का जासवाल। उसने बोला डकेट तो जो मैं बताता हूं, तू बड़ा बोलता है ना, बेसबॉल सीखी है तुम लोगों से तो खेली नहीं, मैं तुम लोगों को खेल के बताता हूं। 3 छक्के हार्टले के ओवर में यार, 3 छक्के, और क्या छक्के, और उसके बाद जो अटैकिंग क्रिकेट खेली, मैं कह तो माहौल बना दिया यार, समा बना दिया कि जासवाल ने यार इस सीरीज में जिस तरह से 700 रन उसने बना, दूसरे नंबर वाला 400 रन्स पे है, तकरीबन ऑलमोस्ट 30-40% का गैप आ जाता है यार। ये जासवाल युवा खिलाड़ी इतना डोमिनेटिंग, मतलब कमाल है यार, कमाल है जासवाल, और उसके साथ जिस तरह की सुपर कंसिस्टेंसी दिखा रहा है रो सुपर हिटमैन शर्मा, आसान नहीं होता यार। आप कप्तानी भी करो, आपके सीनियर्स भी नहीं है, आपको ये टीम भी मैनेज करनी है, आपको यंगस्टर्स के साथ बैटिंग करनी है, आपको यंगस्टर के साथ बैटिंग करना कोई आसान नहीं होता। पुराना तो ये था ना कि मतलब के पुजारा है, जिंक्स है, और जब विराट कोहली होता है या इवन श्रेयस अय्यर होता है वो ज्यादा क्रिकेट खेले इन युवा खिलाड़ियों से, बट रोहित शर्मा इनके साथ बैटिंग करके जिस तरह की बारियां खेल रहा है वो कमाल है भाई, वो कमाल है, उसका मैच नहीं है। मैंने पहले भी बोला हम थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं, युवा खिलाड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है उसकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा खुश हो जाते हैं, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस भी उतनी अहमियत की हामिल होती है बट उसे इग्नोर कर देते हैं। बट नहीं, रोहित शर्मा ने भी कमाल किया, मतलब कि इंडिया ऑन ड्राइविंग सीट इन दिस टेस्ट मैच, पहले ही दिन फुल ड्राइविंग सीट से मार लिया है, और इंग्लैंड बिल्कुल लगता है कि भाई अब टेस्ट मैच बिना कोई इंग्लैंड ने बहुत ज्यादा चमत्कार ना किया, तो ये तीसरे दिन वाला टेस्ट मैच है, इंग्लैंड का 4-1 होने वाला है, परफॉर्मेंस उनसे दिखाई नहीं है, हर एक टाइम पे वो डिसअपॉइंटमेंट है। बेरिस्टो के 100 टेस्ट मैच थे, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट बेरिस्टो ने दिखाई, अच्छा स्टार्ट मिला था, अच्छा अटैक कर रहे थे, बट उसके अलावा सारे ही क्लूलेस लगे। जैक क्रॉली डकेट फाइट दिखाते हैं, बाकी उनके अलावा बेरिस्टो इसका बेरिस्टो भी कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है, स्टोक्स भी कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है, रूट भी कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है, ये 3 सीनियर मोस्ट प्लेयर जो है ना ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। बाकी इंग्लैंड इस सीरीज में अच्छा करता रहा, कभी उनके पेसर, कभी उनके स्पिनर, और युवा खिलाड़ियों ने उनके अच्छा किया, बट इसके बावजूद इंग्लैंड के स्पिनर्स अच्छा नहीं कर पाए, और इंडिया की बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद जो है जिस तरह से जैक क्रॉली को आउट किया गया वो कमाल था यार, क्योंकि जैक क्रॉली को बोल्ड किया और वो बॉल जो है बहुत ज्यादा टर्न हुआ वो बॉल, और जैक क्रॉली को बिल्कुल समझ नहीं आई। ओली पॉप की बात करें, पॉप को जो स्टंप आउट किया वहां पर भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग देखे आप, ध्रुव जुरेल ने जो है वो इनको बोला कि ये आगे बढ़ेगा, और उसी बॉल पे नेक्स्ट बॉल में जो है वो ध्रुव जुरेल ने स्टंप आउट कर दिया अली पॉप को, और कुलदीप यादव और जुरेल ने मिलके अली पॉप को जो है वो बिल्कुल जो है वो आप ये कह सकते हैं बेबस करके आउट किया। फिर अगर देखा जाए तो जोई रूट की बात करें, जडेजा ने एलबी आउट कर दिया, बैरिस्टो और स्टोक्स दोनों को अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव ने आउट किया 175 के ओवर ही, ये तीनों खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए। फॉक्स की बात करें, अश्विन ने बोल्ड किया और हार्टली और वुड को भी अश्विन ने आउट कर दिया। तो इस तरह से जहां पर 135 पे जो है इंग्लैंड के 2 खिलाड़ी आउट थे, फिर अगर देखा जाए 100 पे 1 खिलाड़ी आउट था, वहां पर अगर देखें तो 218 पे इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई, इंग्लैंड की जो पारी है वो सिमट गई, और वो बैस बॉल का जो इंग्लैंड को घमंड था ना, वो घमंड जो है इंडिया के स्पिनर्स ने इस पूरी सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से जो है तोड़ा है, चाहे वो कुलदीप यादव हो, बुमराह हो, चाहे वो सिराज हो, या फिर जो है वो आर अश्विन की बात कर लें, जडेजा की बात कर लें, हर मैच में एक नया हीरो जो है निकल के सामने आता है इंडिया की जानब से। और आज तो ऐसा लग नहीं रहा था कि यार यहाँ पर स्पिनर्स इस लेवल की आगे बॉलिंग करेंगे, हालांकि लग रहा था कि शायद फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर हेल्प हासिल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुलदीप यादव ने और अश्विन ने बिल्कुल जो है वो चकना चूर कर दिया भाई इंग्लैंड की बैस बॉल को, और 218 रन जो कि कोई बहुत ज्यादा नहीं था। उसके जब बाद जब इंडिया की बारी आई ना,
104 रन्स की ओपनिंग की पार्टनरशिप लगाई है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने, और जायसवाल क्या कमाल का खेलता है यार। आज उसने जो है वो 9 टेस्ट मैचों में जो है वो 1000 अपने टेस्ट के रन्स पूरे किए। इससे पहले किसी इंडिया के खिलाड़ी ने 9 मैचेस में जो है वो अपने 1000 रन्स पूरे नहीं किए, और बहुत कमाल का खेला है। डबल सेंचुरियां 2 जो है वो इसकी मौजूद है, और इस सीरीज में 700 प्लस रन्स बना चुका है ये। और आज भी अगर देखा जाए तो जायसवाल की बात करें 50 बना के आज भी आउट हुआ है। आज अगर देखें 57 रन्स 58 बॉलों पे और 5 चौके 3 छक्के, और शोएब बशीर को एक ही ओवर में 3 छक्के लगा दिए। क्या कमाल के वो शॉट्स थे। बाद में भी जो है वो तेज खेलने के चक्कर में वो बंदा आउट हुआ। वो चाहता तो टेस्ट मैच में ठुक 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 कर लेता, लेकिन नहीं, उसने बताया कि भाई इंग्लैंड को हमने सिखाना है कि बैसबॉल जो तुम खेल रहे हो वो नहीं है, ये बैसबॉल है जो हम तुम्हें खेल के बता रहे हैं। तो जायसवाल ने बहुत कमाल का खेला, 57 रन 58 बॉलों पे। रोहित शर्मा हिटमैन, 83 बॉलें 52 रन, 2 छक्के और 6 चौके लगा चुके हैं ये। और रोहित शर्मा भी बड़ी कमाल की और लाजवाब किस्म की जो है बैटिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अभी रोहित शर्मा क्रीज पे मौजूद है। एक आध बार जो है वो इंग्लैंड वालों ने एज की जो अपील की है, लेकिन अपना रिव्यू वेस्ट किया, बाकी रोहित शर्मा का कोई फर्क नहीं पड़ा। और रिव्यू बहुत सारे वेस्ट किए हैं बेन स्टोक्स का, और रिव्यूज का बिल्कुल ही जो है वो नाता अच्छा नहीं रहा है। 21 रिव्यूज लिए बेन स्टोक्स ने, जिनमें से टोटल 1 जो है कामयाब हुआ है और 20 जो है वो बल्कि नाकाम हुए हैं बेन स्टोक्स के। इनके कुछ अलग ही जो है ये लव स्टोरी जो है बेन स्टोक्स की जो है DRS के साथ जो जारी है। फिर अगर देखें तो उसके बाद शुभमन गिल बैटिंग के लिए जब आए ना, तो शुभमन गिल 39 बॉलें 26 रन, 2 चौके 2 छक्के। शुभमन गिल भी जो है वो थोड़ा खुल के बैटिंग कर रहे हैं, वो जो है वो अगर देखा जाए तो शेल में जाने वाला काम ही नहीं है, ये भी खुल के बैटिंग कर रहे हैं। और इसका जो है वो नतीजा ये हो रहा है कि इंग्लैंड की टीम और ज्यादा प्रेशर में हमें आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे 218 रन पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने बनाए, इंडिया ने 135 बना लिए, टोटल 83 रन इंग्लैंड की टीम इंडिया से आगे है। और इंडिया के पास अभी जो है 9 विकेटें बाकी हैं। कल के दिन इंडिया अगर 2 सेशन भी खेल लेता है, जो कि लग भी रहा है, 2 सेशन अगर इंडिया खेल लेता है तो इंडिया का रन जो है ना करते हुए 350 तो हो जाएगा। 350 रन अगर इंडिया बना लेता है पहले इनिंग्स में, तो इंडिया को अच्छी हासिल जो है वो इंग्लैंड से 100 से ज्यादा रन की लीड हासिल हो जाएगी। तो फिर जो है इंडिया, आप ये कह सकते हैं कि मैच में इंडिया होगा। आज दोनों के 150 फर्स्ट क्लास के अंदर नहीं है। शादाब खान के 68 विकेट्स हैं, टोटल 17 फर्स्ट क्लास उन्होंने मैचेस खेले हैं, जबकि नवाज ने 56 खेले हैं और उनके 104 जो हैं फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं। और इधर अगर हम कुलदीप यादव की बात करें तो सिर्फ 39 फर्स्ट क्लास मैचेस में 150 हैं, 39 में 150, 56 में 104। डिफरेंस अब चेक करने कितना बड़ा है, और डबल इनिंग मिलती है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा गैप है। यही वजह है कि वहाँ पे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो शायद बहुत बेहतर है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि कुलदीप यादव की डोमेस्टिक के अंदर 28 की एवरेज है पर विकेट की मैं बात कर रहा हूँ, और इंटरनेशनल में 22 की है। तो आप सोचें कि उनको इंडियन बैटर ज़्यादा बेहतर खेलते हैं ऑफ कोर्स, और उनके फर्स्ट क्लास या डोमेस्टिक के बैटर ज़्यादा बेहतर खेल रहे हैं, तो ये एक चीज़ भी है, इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि कुलदीप यादव को आप टेस्ट स्क्वाड से दूर मत रखें, भले आप इंग्लैंड में ही क्यों ना खेल रहे हो, या अभी आप ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे तो रखें, क्योंकि चाइना में है थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनको खेलना, और उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में बताया, उन्होंने टेस्ट में दिखा दिया। मुझे लगता है जब T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तब भी आप देख लीजिएगा, वो T20 के भी बढ़िया बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जैस बॉल की क्या बात करें, पहले दिन से शुरू हुए हैं और आखिरी टेस्ट मैच में वो जिसे बोलते हैं खूब खबर ले रहे हैं गोरे बॉलर्स की। और इंग्लैंड टेस्ट में कहीं पे भी खेले एक तगड़ी टीम है, और पाकिस्तान के अंदर जब वो खेल के गई थी तो हम सब जानते हैं कि हमारे साथ उन्होंने क्या किया था, मगर इंडिया के आगे 3-1 के साथ वो चल रहे हैं। और जो अगला टेस्ट जो अब आखिरी चल रहा है, पहले रोज से ही पता चल गया है कि ये किस रुक जाएगा, और मुझे लगता है कि 3.5 दिन से आगे जाना नहीं चाहिए। मगर जायसवाल की हम बात करें, जिन्होंने 712 रन अब तक कर लिए हैं, और अभी एक इनिंग में बल्लेबाजी उन्होंने करनी है। उनका स्टार्ट हुआ था हैदराबाद से, जहां पर 80 रन की इनिंग और 15 रन की, यानी 2 इनिंग्स में ये उन्होंने बल्लेबाजी की थी, और उसके बाद विशाखापट्टनम के अंदर 200 की इनिंग उन्होंने खेली थी, अगर चाहे एक इनिंग उनकी 17 की बिरी थी। और राजकोट में फिर उन्होंने 100 की इनिंग खेली थी, जहां 214 और 10 रन की इनिंग उन्होंने खेली थी दो इनिंग्स में। रांची में उनके 73 और 37 रन की उन्होंने इनिंग खेली, और आज उन्होंने 57 रन की इनिंग खेली, अभी एक इनिंग उनकी बाकी है। कुल मिला के 200 हैं उनके, ये एक जिसे बोलते हैं ना कि हीरा मिला है टीम इंडिया को। ऑफकोर्स उसमें टीम इंडिया का अपना सिस्टम ही शामिल है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम और कंपटीशन इतना तगड़ा आता है कि आपको शुभमन गिल को वन डाउन लेके जाना पड़ता है, और आप वजह यह है कि जायसवाल आपको मिला है, मतलब
अगर शुभमन गिल को आपकी जगह लेनी है तो जयसवाल बनकर ही ले सकते हैं, मतलब इतनी क्वालिटी का क्वालिटी प्लेयर को क्वालिटी प्लेयर ही रिप्लेस कर सकता है, सिंपल है। ऐसा नहीं है कि शुभमन गिल जो हैं वो फ्लॉप हो गए हैं इसलिए उनकी पोजीशन चेंज हुई है और नए को आजमाया गया, ऐसा नहीं है। नया इतना तगड़ा आया कि उसने शुभमन गिल की जगह पे आए हैं और शुभमन गिल नीचे चले गए हैं। अब जब T20 वर्ल्ड कप होगा देखिएगा कितने बड़े बड़े नाम बाहर होते हैं, खासकर जब प्लेइंग 11 की बात करेंगे हम। मगर फिल वक्त इस टेस्ट की बात करें तो कुलदीप यादव, ऐश्वन और जयसवाल ने पहले दिन कमाल हुक्मरानी की, ओवरऑल इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया की हुक्मरानी रही है, अगरचे 3-1 से मुकाबला रहा है, बीच में एक दो सेशन इंग्लैंड बहुत तगड़ा खेल रहा है, बट जो पहला टेस्ट जीते थे उसके बाद मुझे लगा था कि शायद कोई फाइट बैक बीच में से रहेगा इंग्लैंड का, मगर ओवरऑल कुछ खास रहा नहीं है। और आखिरी टेस्ट भी थोड़ा फुसफुसा इसलिए हो रहा है कि साफ दिख रहा है कि अगर टीम इंडिया कल पूरा दिन बल्लेबाजी कर लेती है और फिर ये मैच 3.5 दिन से मैं आधा दिन भी आगे ऐसे ही डाला, मुझे लगता है 3 दिन के अंदर भी खत्म हो सकता है। तो